हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, अब तक तो आप सब ये फ़ोटो देख ही लिए होंगे, इतना ज़्यादा ये फ़ोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। और आप सबको ये भी पता होगा कि ये फ़ोटो फिल्म संघर्ष 2 की सेट पर से आई है। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि संघर्ष 2 में कृति यादव का रोल क्या होने वाला है, और भी बहुत कुछ फिल्म से जुड़ी बातें आप सबको बताऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब संघर्ष 2 की अनाउंसमेंट हुई थी तो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर करके ये बताया था कि ये सभी फिल्म के मेन कलाकार हैं, लेकिन इसमें कहीं भी कृति यादव का जिक्र नहीं था। क्योंकि फिल्म मेकर का कहना है कि कृति यादव का रोल बहुत ही खास है फिल्म में। कृति यादव का रोल बहुत ही खास है और दर्शकों के लिए सरप्राइज रखना था, लेकिन सेट पर से फोटो आई और वायरल हो गई। तो चलिए बात करते हैं कि कृति यादव का रोल क्या होने वाला है फिल्म में। तो आप सब ने कृति यादव की पहली फिल्म देखी होगी, उस फिल्म में कृति अनाथ थी, यानी कि कृति के माँ बाप नहीं थे। फिल्म संघर्ष 2 में भी कृति अनाथ बच्ची है और उसको ही पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाते हैं, जैसे कि आप सब इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए। वैसे तो फिल्म में और भी तीन हीरोइन हैं, लेकिन पूरी फिल्म की कहानी कृति के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आएगी। मतलब कि फिल्म में कृति के अनाथ से लेकर ऑफिसर बनने तक की कहानी दिखाई जाएगी, या यूं कहिए कि वही फिल्म की मेन कहानी है। दोस्तों, फिल्म संघर्ष से जुड़ी एक और बात आप सबको बताती हूँ। संघर्ष 2 में रवि किशन भी नजर आने वाले हैं। पूरी फिल्म में तो नहीं, पर हाँ कुछ खास खास सीन में नजर आएंगे। रवि किशन जी का क्या रोल है वो तो नहीं कह सकती, बट आई थिंक जिस तरह की फिल्म की कहानी है उस हिसाब से रवि किशन जी फिल्म में भी नेता बनने वाले हैं, जो कि वो रियल में भी नेता हैं। कृति यादव के दोनों फोटो को देखकर आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि फिल्म में बहुत ही खास होने वाला है कृति यादव का रोल। और इनका एक्सप्रेशन देखिए कि जिस ड्रेस में है उनका एक्सप्रेशन उसी तरह का है, तो सोचिए फिल्म में क्या होगा, बहुत ही कमाल होने वाला है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।